एनएसयूआई हमीरपुर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्म दिवस के मौके पर हमीरपुर बस अड्डे पर अखबार बांटकर आज के दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने लोगों को अखबार देकर बढ़ती बेरोजगारी व अन्य समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। एनएसयूआई ने देश में गिरती अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को दोषी करार दिया और कहा कि देश में गलत नीतियों के चलते बेरोजगारी की दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई थी तो उन्होंने सालाना 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, परंतु धरातल में सच्चाई कुछ और ही है। वर्तमान में बेरोजगारी दर पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुकी है और सरकार हर बात को धर्म और राष्ट्रवाद से जोड़ देती है। आज का युवा अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है, चाहे इंजीनियरिंग के छात्र हों, ग्रेजुएट के छात्र हों या किसी और क्षेत्र के, हर जगह बेरोजगारी का आलम ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि युवा इस बात का जवाब सरकार को आगामी चुनावों में जरूर देंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, लेकिन एनएसयूआई हमीरपुर, एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश, एनएसयूआई इंडिया इस दिन को जो है वो बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। आप लोग देखेंगे कि जब से केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार आई है, बेरोजगारी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने जो 2 करोड़ सालाना युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, उस बात को तो आप छोड़िए, बल्कि उन्होंने तो इतने सारे बेरोजगार इस देश में पैदा कर दिए हैं, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि जो ग्रेजुएट हैं, देखिए हम ये अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम दोनों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हम लोग अभी भी बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। हम ही नहीं, हज़ारों, चाहे इंजीनियरिंग के छात्र हो, बीटेक या कहीं और मेडिकल लाइन के हो, इस तरह से बेरोजगारों की जो भरमार है वो पूरे देश में, प्रदेश में भर चुकी है कि आम लोग जो हैं, आम परिवारों के जो बच्चे हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाने में असमर्थ जो है वो हो चुके हैं। तो हमारा आज यही उनसे मांग है कि कम से कम अपने जन्मदिवस के ऊपर आप ये प्रण ले लें कि अब इस देश को जो है वो बेरोजगारी से जो है वो छुटकारा दिलाना है, नहीं तो आने वाले हालात बद से भी बदतर होने वाले हैं।